बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक यार मैं हासिस किए रहा था पाकिस्तान में लाइट की सूरत हाल। यार आज का आज मैं जी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात टाइम मैं आपके साथ दिन टाइम शेयर कर दूंगा। यानी कि आज ईद का तीसरा दिन ख़त्म हो रहा है और अभी से लाइट जाना शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। पर ईद के दो दिन तीन दिन तो टिकी रही है, अभी जैसे ही ये तीसरा दिन ख़त्म हुआ है लाइट फिर वो घंटे के वाला हिसाब हो गया है। अल्लाह ताला की ज़ात भाई करम करे हमारी ये कंट्री के ऊपर। मगर आपको मैं यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जी, दो बंदे हैं साथ में, आईफोन का ढेर लगा हुआ है। आईफोन आपको पता है जी, इस वक्त अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात करें तो आपको 5000 प्लस में मिल रहा है, 5200 में मिल जाता है अक्सर 256 GB वाला। और अगर 1 TB वाले की स्टोरेज करें तो वो 7000 के अराउंड में। अगर 12 की बात करें, 12 प्रो मैक्स वगैरह या 11 प्रो मैक्स वगैरह की, तो वो भी इस वक्त आपको 4000, यानी कि 11 प्रो मैक्स 4000 के नीचे है और 12 प्रो मैक्स 4000 से ऊपर है। मैं बहुत सी वीडियो इसी चैनल के ऊपर शेयर कर चुका, अभी ज़्यादा से चैनल बनाया हुआ है मैंने मोबाइल्स के ऊपर, तो वो यानी कि ट्रिंक दी मोबाइल नामी चैनल है। ये आप यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, मैं अपने इस चैनल के ऊपर अक्सर उसकी पिक्चर वगैरह भी शेयर कर देता हूँ। उसके ऊपर तमाम तफसील आपको बताता रहता हूँ, यूजेबल मोबाइल आपको कंडीशन वाइज के हिसाब से दिखाता रहा हूँ। यहाँ पर आपको शायद एक पिक्चर भी उनकी दिखा रहा हूँ मैं। बहरहाल अभी इस खबर के मुताबिक बात कर लेते हैं। ये आईफोन आपने लेना है जी, यानी कि अगर आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स चाहिए, यानी कि आईफोन 13 प्रो मैक्स आपको 5200 रियाल में मिल रहा है, 256 GB, तो ये आपको दे रहे हैं जी 2700 रियाल में, 2800 रियाल में जी। ऐसे कुछ हुआ है, ये खमीस मुशीद की बात है। इन लोगों के पास ये आईफोन्स का ढेर था और ये बेच ऐसे रहे। अब इन लोगों ने लिए किधर से, सुन लीजिएगा, ऐसे फ्रॉडियों से बचे, आपके लिए भी नुकसान होगा। इन लोगों ने ऐसे खरीदे के भी खरीदे, बाद में आपको बताता हूँ मैं। ये लोगों को बेच ऐसे रखे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 5000 का मोबाइल है 3000 में बेच रहे हैं, 4000 का मोबाइल है 2500 दे दो, 2000 दे दो, यानी कि जिधर को आ रहा है उसको भाई लगाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। अच्छा, लोग अभी आपको पता है, आप भी सऊदी अरब में मेरी वीडियो देखते रहते हैं, आपको भी इतना तो लोगों को भी पता चल चुका है भाई कि जो मोबाइल एक नंबर है ये दो नंबर है। ये आज से 5 साल पुरानी बात है, जब वो दिखाते कुछ और थे, निकाल कर कुछ और दे देते थे मोबाइल के नाम के ऊपर। अभी लोगों को पता चल चुका है, लोग उसका IMEI जो नंबर होता है वो नेट के ऊपर गूगल के ऊपर लिख कर सर्च करके भी देख लेते हैं। लोग देखते हैं ओरिजिनल है, वाकई सस्ता मिल रहा है, लोग खरीदते भी होंगे इनसे। हुआ कुछ यूं कि ये जो मोबाइल इनके पास है जी, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से तो 1000 प्लस में है, ये दोनों बंदों ने एक दुकान से चोरी की है, ठीक है। उसके बाद इन यानी कि मरूर को इतला की है, मरूर ने यानी कि अपनी खुफिया टीम यानी कि मुबैस वाले बंदे हरकत में किए हैं। खमीस मशीद की ये बात है जी, और मैं खमीस मशीद में वैसे 6 माह गुजार चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, सूदा वगैरह तमाम घूम चुका हूँ। अच्छा, जो मुबैस वाले उन लोगों ने गर्दश की है, तो इन लोगों ने देखा कि बल्द में ये बंदे मोबाइल फ्री दे रहे हैं सस्ते में, ये कौन बंदे हैं, फिर इनको गिरफ्तार किया गया है। और जब इनसे पूछ की है तो ये मान गए हैं, दोनों मिस्री हैं जी, कि हमने ही वो दुकान लूटी थी और ये आईफोन सामने सस्ते में बेच रहे हैं। अभी आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो ये है जी, आपने अगर ऐसा मोबाइल खरीद लिया और उसमें अपनी सिम डालकर आपने जैसे ही उसे ऑन करेंगे, वो दुकान वाले के पास उसका मुकम्मल डाटा होता है, IMEI जो नंबर है, वो या तो आपका मोबाइल बंद कर देंगे या हो सकता है आपको भी पकड़ लिया जाए कि आपने ये मोबाइल इससे कितने में खरीदा, क्यों खरीदा।